बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में शेयर कर रही हूँ इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप बना कर कई महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बनाने में आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने उसमें ली है इमली 1 पाव यानी कि 250 ग्राम और उतना ही आलू बुखारा 250 ग्राम लिया है। दोनों बराबर की मकदार में मैंने लिए हैं और इनको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था, यानी कि सारे दो दो कप पानी डालकर। अगर आपको जल्दी है तो आप फिर एक घंटा बनाने से एक घंटा पहले नीम गर्म पानी डालकर इसको भिगो दें तो उससे भी जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इनकी गुठलियाँ निकालनी है। ये आलू बुखारा देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल चुका है, तो इसकी गुठलियाँ निकाल दें आप अच्छे से। ये देखें जी, ठीक है। तो इसको आप हाथों से इस तरह मस लें सारा जी। तो आलू बुखारे की तमाम गुठलियाँ निकाल दी और हाथ से थोड़ा सा इसका पल्प मसल दिया है, तो इसी तरह इमली को भी अच्छे से आपने मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। ठीक है, इस तरह आपने सारी गुठलियाँ निकाल देनी है जी। तो इमली की सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी, इसमें अभी थोड़ा सा इनके साथ पल्प लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के ना मैं तो थोड़ा सा मसल के इस तरह और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी गुठलियों को। तो इसको अब हम वापस इसी में डाल देंगे जी। तो अब हम लेंगे एक बर्तन जिसमें मैंने ये जालीदार बर्तन रख दिया है, इसी में मैंने चटनी बनानी है उसके ऊपर ही ये रख दी है। तो ये जो इमली का पल्प है इसको अब हम छान लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे एंड पे जी। तो छानने से ये छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं इमली में, ये सारे निकल जाते हैं। अब इसमें हम ये आलू बुखारे का जो पल्प था वो भी डाल देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और चूल्हे पे पकने के लिए रख दें जी। तो चटनी को चूल्हे पे मैंने रख दिया पकने के लिए, तो आप लो मीडियम आंच पे इसको 10-15 मिनट तक के लिए पका लें जी। तो 15 मिनट हो गए हैं इसको लो मीडियम आंच पे पकते हुए, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं जितनी आपको मिठास चाहिए हो, और एक चुटकी है रेड फूड कलर, इससे कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा इसमें। बाकी टोटल ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। अब आपने इसको उतना पकाना जितनी से चटनी गाढ़ी हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा आप नहीं करना, ठीक है। माशाल्लाह से लो मीडियम आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए, तो चटनी आप देख सकते हैं कितनी थिक हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा थिक आपने नहीं करना। तो इस पॉइंट पे अब हम इसको मज़ेदार बनाने के लिए ये डालेंगे 4 मगज़ हैं, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं ये। जी तो ये चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर तो आप सिर्फ 1 महीने तक इसको स्टोर करना चाहते हैं तो ये चटनी को ऐसे ही ठंडा करें और जार में डाल लें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मकदार में इसको बनाना चाह रहे हैं और 5-6 माह तक के ये चले, तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पे सिरका डाल दें इस पॉइंट पे, और चटनी पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। माशाल्लाह से आलू बुखारा और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। आप इसको ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर या जार में डाल के रख दें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।